लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में 270 लोग अपने आशियानों पर बुलडोजर चलवाने की गुहार लगा रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित रेजिडेंसी अपार्टमेंट में 270 निवासी पूरी सोसाइटी पर बैनर लगा दिए हैं। आरोप है कि केडीए की भ्रष्टाचारी की वजह से ये अपार्टमेंट निवासियों के लिए मौत के आशियाने बन गए हैं। महजी 3 साल में एक तरफ इसकी मुख्य दीवार दरक गई है, वहीं इस इमारत की हर दीवार से पानी रिसने लगा है। आपको बता दें, कानपुर किदवाई नगर के ओ ब्लॉक में केडीए ने 3 साल पहले अपार्टमेंट बनाए थे। इस अपार्टमेंट में बनाए गए 370 फ्लैट आवंटित हो चुके हैं और लोग इसमें रहने भी लगे हैं। यहाँ के बाशिंदों ने कहा है कि शुरू से ही अपार्टमेंट की दीवारों में सीलन आ रही है। इस संबंध में कई बार केडीए को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। बल्कि अब स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि इसकी मुख्य दीवार पर दरारें भी आना शुरू हो गई हैं। कानपुर केडीए लोगों के मौत की दावत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।